हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ DFCCIL का जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है उसके आंसर की रिलीज कर दी गई है और कट ऑफ के बारे में बहुत से स्टूडेंट के SMS आए कि आप कट ऑफ बताइए, क्या कट ऑफ रह सकती है। तो मैं इस वीडियो में आपसे कट ऑफ तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और सभी कैंडिडेट से ना मेरी बात हुई है। तो मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा जिस पे आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो DFCCIL की जो कट ऑफ है कुछ बता रहे 80 पार जाएगी, उसके अंदर वेरियस पोस्ट हैं तो कुछ बता रहे हैं 60 प्लस जाएगी, 65 प्लस जाएगी। तो मैं उनसे सिर्फ एक इतना ही पूछना चाहता हूँ कि आपको 5,000 या 10,000 कैंडिडेट जो हैं उनके रिव्यू से आप कैसे बता सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी, और ना ही उन्होंने एग्ज़ाम दिया। अगर उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है तो उन्होंने एक ही एग्ज़ाम दिया होगा। सभी कैंडिडेट के दिमाग का उन्हें क्या पता कि उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया, उनकी क्या एक्यूरेसी है, कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। तो आपने एग्ज़ाम दिया है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपके 65 प्लस मार्क्स हैं, अगर आप जनरल हैं तो आपके 70 प्लस अगर मार्क्स आ रहे हैं आंसर के बाद, तो आप ये मान सकते हैं कि आपको DV के लिए या साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाए। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाए, 80 प्लस कट ऑफ चली जाए, ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज कट ऑफ रहे। तो ये सिर्फ DFCCIL वालों को पता है कि कट ऑफ क्या जानी है क्योंकि उन्हीं के पास सभी स्टूडेंटों का डाटा है, बाकी किसी भी व्यक्ति के पास सभी का डाटा नहीं है कि कट ऑफ आप प्रिडिक्ट कर सकें। मैं आपको कट ऑफ बता दूँ तो वो सिर्फ एक तुक्का होगा, वो तुक्का सेट भी हो सकता है और वो तुक्का फेल भी हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि 70 प्लस कट ऑफ जाएगी जनरल के हिसाब से, और मान लो 70 प्लस कट ऑफ नहीं गई, 65 प्लस चली गई, तो आप बोलेंगे सर आपने कट ऑफ ज़्यादा बताई थी और कट ऑफ तो बहुत कम गई है। लेकिन अगर मैं 70 बताऊं और कट ऑफ 80 चली जाए तो आप यही बोलेंगे कि जो कट ऑफ है आपने बहुत कम बताई थी, कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, तो आप दूसरी पल ये कहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुद कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है, आपके जो साथी होंगे आपने उनसे भी बात की होगी कि भाई पेपर कैसा आया, किस शिफ्ट का था आपका एग्ज़ाम, मॉडरेट था, इजी था, हार्ड था। जैसे कि मैंने बात की है जो 28 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था BD का एग्जीक्यूटिव का, उसके अंदर ये बताया जा रहा था कि जो और शिफ्ट के हिसाब से थोड़ा सा अप था, यानी कि उसका लेवल थोड़ा अप था। उसके अंदर आपकी DFCCIL और रेलवे के जो हिस्ट्री थी उससे जो रिलेटेड सवाल थे वो बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए थे। अब मैं वहीं आपसे बात करता हूँ इसकी कट ऑफ कैसे बन सकती है। मान लो किसी का रीजनिंग, मैथ और साइंस अच्छा है लेकिन DFCCIL और कस्टमर मार्केट और आपका GK उसका अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप ये मान सकते हैं कि किसी एक स्टूडेंट का सारी चीज़ें अच्छी है तो ऐसा तो हो नहीं सकता, या तो वो SSC की तैयारी कर रहा होगा या फिर आपका रेलवे की तैयारी कर रहा होगा। तो रेलवे की तैयारी अगर कर रहा होगा तो उसके अंदर CRM नहीं पूछा जाता, DFCCIL की जो हिस्ट्री है वो नहीं पूछी जाती। तो मतलब जो कट ऑफ है वो बहुत से कारणों पर आपकी डिपेंड करती है। अगर मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बताऊँ तो मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कट ऑफ के बारे में कि जो कट ऑफ है वो एक एवरेज जाएगी, एवरेज कट ऑफ जाएगी। ऐसा नहीं है कि 120 में से 80 चली गई, नहीं, एक एवरेज कट ऑफ आपकी इसकी जाएगी जिस तरीके से आपकी पिछली बार गई थी। एवरेज कट ऑफ ही आपकी इस बार भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप उस एवरेज मार्क्स में सिक्योर हैं तो आप अपना साइको टेस्ट की DV के लिए अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।